जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज रहे आप सभी, सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला घिंतोली गोबटी, आप सब मेरे सादर प्रणाम। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में दीपा नेगी पहाड़ी में। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ मैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, दिखती हूँ आपके लोगों के सामने। तो दोस्तों आज तारीख 10 तारीख ना दीदिया, हाँ 10 तारीख 10 फरवरी है और मैं आ रही हूँ खेत पे। तो ये देखिए ये दीदी, हेलो दीदी, ये देखो ये दीदी बुला लो। ये देखो ये मेरी दीदी, बस खाना तो कम होने लगी हूँ बस। तो ये थोड़ा जल्दी आ गए थे, मैं चाय लेके आई और अभी तक हमने चाय पी और अब मैं भी जाती हूँ खड़ाई करने। तो दोस्तों हो सकता है आज मैं कहीं जाऊं, सगाई है वहाँ, हो सकता है वहाँ जाने का प्रोग्राम बने मेरा, तो जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर मिलूंगी, ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ का गांव। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप और देखते हैं आगे, फिर खड़ाई करते हैं। ओके हमारा खोल अभी। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं देखिए खेत पे बैठी हुई हूँ। ये देखिए कितना बड़ा खेत है, बहुत ही बड़ा खेत है दोस्तों। तो इस खेत में मेरी हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल, और मुझे लग गई थी भूख भी, आज भी तो नहीं लग रही थी मूछ। ये पसीना देखो, पसीना से सारा माथा भी लाल हो गया है, सिंदूर बह गई है। तो अभी मेरी सासू मेरे लिए रोटी लेके आई और चाय लेके आई, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए। और सच में यार मेरे को भूख लग गई थी और लेके आई फाइनली वो मेरे लिए खाना। तो पालक की सब्ज़ी ला रखी और रोटी ला रखी है। तो ठीक है दोस्तों, खा लेती हूँ यार सलाह सर करके, यानी जल्दी जल्दी करके खा लेती हूँ। तो ठीक है, देखिए ना कितना बड़ा खेत, बहुत बड़ा। आप हत आ गए मेरे पे इस खेत में, देखो ना, देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक है। हेलो दोस्तों, तो आप सबको मेरा फिर से प्रणाम। तो दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को बताया था सुबह कि मैं हो सकता है सगाई में चली जाऊं, तो फाइनली मैं सगाई में जा रही हूं और थकान इतनी ज़्यादा लग गई है मेरे को। टाइम 12 बज चुके हैं और अभी तक मैं खेत पे थी और खेत से इतनी तेज़ स्पीड में मैं आई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अभी भी देख सकते हो आप लोग, पसीना से मेरी हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी मैं चल रही हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने प्यारे से भाई सचिन को, क्योंकि सचिन भैया जब आप ब्लॉग देखोगे तो आपको ज़रूर आपको भी याद आएगी इस रास्ते की। इसी रास्ते से हम नैनी माता में गए थे नैनी माता के दर्शन करने। तो इस पूरे रास्ते में मैं गोदियाल भोला को, सक्षम भोला को और सचिन भोला को याद कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मिस यू मेरे प्यारे से तीनों भाई। तो जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ उनका फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहा है सुबह से, तो यार उनको पता है, अब बाद में ही पता चलेगा उनको। जब मैं खेत पे थी तो मैंने बताया मैं घर पे हूँ, जब मैं घर पे थी तो मैंने बताया मैं मार्केट में हूँ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ। वो लोग काफ़ी पहले से मेरा वेट कर रहे हैं। तो ठीक है यार दोस्तों, जहाँ मैं सगाई में जा रही हूँ वहाँ का नाम है आगर, देख सकते हो आप लोग चढ़ाई है यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को थोड़े से आगे पे अगर गांव में, अगर गांव दिखाएंगे आज आप लोगों। हेलो दोस्तों, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना ज़्यादा, मतलब प्लेन, एकदम प्लेन प्लॉट है, गढ़वाली मैसेना बोलते हैं इसको। तो ये देख सकते हो, तो सचिन भुला अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं जिस दिन सेणे की बात कर रही थी वो यही सेणा है, ये देख ले, ये देख, बहुत ही अच्छा व्यू। अगर माता रानी माँ नैनी देवी नज़र लगाएगी, अपनी कृपा बनाए रखेगी, तो ज़रूर मेरे भुल्ला लोग यहाँ पे शूटिंग करने आएंगे, ये देख ले। तो मैं रास्ता भूल गई थी, मैंने आना नीचे था, मैं चली ऊपर गई थी, तो मेरे को लेने आ गए हैं ये छोटे भुल्ला लोग, तो मैं तो रास्ता भूल ही गई थी यार। तो इनमें को अभी दिया कितना अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे को लेने आ रखा है। हेलो मैंग, हेलो। तो ठीक है दोस्तों, दीदी तुम ऐसी बच्ची में चले आता
हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को आगे। प्रणाम प्रणाम। रे देख सकते हो आप लोग बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, टाइम मिले तो घर आते टाइम वीडियो बनाऊंगी और आगे मिलेंगे सगाई में। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो मेरे यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं अभी तक थोड़ा जो लड़की है मतलब उसको मैं तैयार कर रही थी। तो अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा कीर्तन चल रहा था, लेकिन देखिए हमारी सासु की है तो कीर्तन बंद करना पड़ रहा है अभी। हेलो, ये यहाँ किया मामी जी और मेरी मानता आती रहती है और मेरे को बहुत सता दे रही है। तो दोस्तों फोन भीग रहा है इसलिए मैं बाहर जाके वीडियो नहीं बना रही। तो मैंने सोचा था मैं कीर्तन निकालूंगी यहाँ का, तो कीर्तन नहीं निकाल पाई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश लग चुकी है, ये देखो। कीर्तन बहुत ही अच्छा हो रहा था, मैं कीर्तन निकालूंगी, लेकिन बारिश आ गई तो मैं कारणवश कीर्तन नहीं निकाल पाई। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी देर में। तो ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मेरे मतलब मामा जी, यहाँ तो पूरा मेरा रिश्ता ही लगता है क्योंकि यहाँ मेरे ननिहाल है तो यहाँ तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये देखिए मामा जी का लड़का है, ये बोला मेरे को गोप्रो ला दे। मैंने कहा जब सब लोग सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो गोप्रो भी ला दूंगी मैं। तो वो कुछ बोल रहा है, अब कुछ नहीं बोलेगा। पैसे बहुत है मतलब, ये लड़की ये देखिए, तो इसको सजाया है मैंने, देख सकते आप लोग। हेलो प्रियंका, बोल लिया कुछ भी बोलो, मैंने सजाया है इतना अच्छा। ठीक है देखो, बारिश आ गई है अचानक से, पता नहीं कैसे। जिस दिन हम नैनी देवी में गए थे उस दिन भी बारिश ही आई थी और आज भी बारिश ही आ रही है। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में। जो दूल्हे मतलब दुल्हन लोग दुल्हा है आने वाले हैं, अभी रास्ते पे आए हैं, तो तब मेरे को भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे बैठ रखे हैं और मेरे को लग गई भूख। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं सुबह गई थी खेत पे, थैंक यू आपको पूरी दिया, तो मैं सच में मेरे को नहीं लगा भूख लग गई थी, क्या बताऊँ, क्योंकि मैं सुबह खेत पे चली गई थी 7:30 बजे। तो उसके बाद जैसे मैं घर पे आई तो कितनी सारी पकौड़ी दे दी है इन्होंने, और पकौड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रही है। पता नहीं किस चीज़ की पकौड़ी बना, ये सारा मिक्स डाल रखा शायद, सब कुछ मिक्स मिक्स है। तो मैंने बना गया था सुबह से, ये करीना है। और ये है दोस्तों, ये देखो ये यहाँ की मतलब यहाँ की लड़कियाँ हैं। हेलो अम्मी, ये देखो तुम देखिए भैया दुल्हन है, मतलब दुल्हन यानी जिसकी आज सगाई है। देखो ये देखिए, ये तो ठीक है दोस्तों। हेलो डियर बेबी, के तो ठीक है
तो फिर दोस्तों अभी तक हमने थोड़ा नाच नाच ना डांस डूच किया। देखिए खाना खाने के लिए बैठ रखे हैं। खा लियो ओ मैं अभी खाना खाएंगे सभी लोग। और मेरे को भी देर हो गई है जाने के लिए क्योंकि मैंने भी दुकान पर भी जाना है। तो ठीक है दोस्तों थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ वहाँ से वापस। और फिर से ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैं निकल रही हूँ घर के लिए। और आगे तो मैं रास्ता भटक गई थी लेकिन अभी मेरे को रास्ता पक्का पता चल गया है कि कहाँ से मैंने जाना है। तो इधर देखिए दोस्तों, दूर दूर बहुत दूर वहाँ पोखरी दिखाई दे रहा है, सांप पोखरी। तो सच में मैं प्यारे से सचिन भाई लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। क्या बताऊँ मैं, कितनी याद आ रही है मेरे को तो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि हम इस रास्ते से पहले गए हुए हैं, नैनी माता के मंदिर गए थे, तो इसीलिए मुझे आज उनकी याद ज़्यादा आ रही है। तो ठीक है दोस्तों निकलती हूँ अभी, अभी काफ़ी जाना है मैंने। तो बोल रहे थे आज यहीं रुक जा, तो मैंने कहा यार नहीं रुक सकती क्योंकि मैं आज दुकान पे भी नहीं गई ना। तो बहुत सम्मान दिया सब सारे लोगों ने वहाँ पे, और चाहिए ही क्या होता है मुझे या किसी को भी चाहिए क्या होता है कि कोई दो शब्द प्यार के बोल दे। और वैसे भी सब लोगों ने बहुत अच्छे से सम्मान दिया है। पीछे का व्यू देख सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा। और एक बार तो बारिश भी आ गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर से मौसम चेंज हो गया, मौसम भी रंग बदल रहा है भाई। तो फिर ठीक है दोस्तों मिलते हैं सीधे आगे गिंतोली, ऊपर जाना है मैंने उस धार पे, उस धार के पीछे चले जाना है। ठीक है फिर। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ अभी अपनी दुकान पे। तो मैं अपनी दुकान पे बैठी हुई हूँ और थकान भी लग गई है मेरे को। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो आप सभी लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तो सभी को फिर से मेरा सादर प्रणाम। सब लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। जय माता रानी की। फिर से सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जय माता रानी की।